मेरे को ये पार्सल रिसीव हुआ है नायका से। हेलो गुड मॉर्निंग गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आई होप आप सब लोग बहुत अच्छे से होंगे। और हमारी शुरुआत हो गई है पोहे के साथ, पोहा एंड चाय। पहले मैं लाइट जला लूँ। तो आज बना है अपने पास पोहा और साथ में चाय। चाय आज मैंने ना कम बनाई है, देखना बहुत ही कम। तो मैंने जितेंद्र को कहा था मेरे कप में कम डाल देना, कोई बात नहीं, क्योंकि जितेंद्र को चाय बहुत पसंद है। ज्यादा चाहिए? हाँ ज्यादा चाहिए। और मैं तो ना कोशिश कर रही थी, फैन ऑन कर दो, कोशिश कर रही थी कि यार मैं ना चाय खत्म करूं, क्योंकि मेरा बहुत मन नहीं करता है। कई बार चाय ना, मतलब आप लोगों के साथ भी होता होगा, हम ऐसे भी लेते जैसे पहले ऑफिस में बैठते होते थे ना, तो उस टाइम पे तो मेरे को इतनी चाय पसंद भी नहीं थी। पर जैसे वो 11 बजे वाला टाइम आता है, फिर ऐसे होता था कि आज चाय पीनी चाहिए, मन कर रहा है नहीं कर रहा है, बस एक दिमाग में होता है कि पीनी है, एक अच्छा सा टाइम पास हो जाएगा। तो यहाँ पे भी ऐसे ही होता है। फिर मैं सोच रही थी मैं चाय को ना रिप्लेस कर दूंगी ग्रीन टी के साथ। वो इसलिए क्योंकि मैं छोड़ना चाह रही हूँ चीनी और मीठा, स्पेशली सबसे पहले तो ये व्हाइट वाली चीनी बिल्कुल ही खत्म। और इसके अलावा क्योंकि पूरे दिन में कुछ ऐसा वैसा मीठा तो और खाते भी नहीं है, यही है। और कभी कभार दूध में होता है, दूध तो मैनेज हो जाता है, तो चाय तो छोड़नी ही पड़ेगी, या तो फिर इसमें गुड़ डाल के पिए, है ना। पर गुड़ गर्मियों में बहुत ओखा होगा पीना, तो इसलिए मैं थोड़ा कम करने की कोशिश कर रही हूँ। अब जैसे एकदम से भी छोड़ दो ना, फिर हो नहीं पाती कंटिन्यू, क्योंकि मैं ये करके देख चुकी हूँ। मैंने एक दो महीना कंटिन्यूसली किया था, फर्क भी काफी दिखे थे, पर फिर वो बहुत क्रेविंग्स होती है कभी कभी, फिर वो ऐसे बैकफायर होता है बहुत ज्यादा। ठंडा क्यों कर रहे हैं यार, चाय ऑलरेडी बहुत कम है, तो पानी जैसी हो जाएगी जब तक पोहा खाएंगे। मेरे को ये पार्सल रिसीव हुआ है नायका से, रिसीव हुआ मतलब मैंने खुद ऑर्डर किया था। मैंने कुछ चीजें ऑर्डर करी थी जैसे मॉइस्चराइजर वगैरह, टोनर, ये सब। सो देखते हैं। वैसे मैंने काफी दिन के बाद अपना मॉइस्चराइजर ऑर्डर किया है। मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया था ना कि कब से मैं यूज कर रही थी निविया का मॉइस्चराइजर, बॉडी लोशन यूज कर रही थी। तो आज देखते हैं इसमें जो लोशन मैंने मंगवाया है, आपने देखा होगा बहुत सारे लोग यूज करते हैं, मैं फर्स्ट टाइम यूज करूंगी, बाकी तो यूज करके पता चलेगा कि कैसा निकलता है। पर इसको पहले मैं खोलूं, तो मैंने बहुत दिनों के बाद ऑनलाइन कुछ मंगवाया है, इतने दिन से मैं कुछ भी नहीं मंगवा रही हूँ। और ये भी ऐसे मंगवाया है क्योंकि इसकी तो मेरे को बहुत ही ज़्यादा ज़रूरत थी। फिर एक चीज़ मंगवाओ कुछ, फिर कुछ आसपास और दिख जाता है, तो ऐसे ऐसे मैंने एक दो चीज़ें ऑर्डर करवा ली थी। और जितेंद्र आपको पता है मैंने कब मंगवाई है? हाँ मेरे को पता है। जब जितेंद्र फिजियोथेरेपिस्ट के पास लेटे हुए थे मैंने तब मंगवाई थी। आई होप सारी चीजें आ ही गई हैं। हाँ आ गई हैं, इतनी बुरी तरह सेट किया हुआ ये। पहला देख लो मॉइस्चराइजर ही आ गया मेरे हाथ में। और मैं ये इसमें ना कंफ्यूज थी कि मैं इसमें दो चीजें थी, एक था मॉइस्चराइजिंग लोशन और एक थी मॉइस्चराइजिंग क्रीम, तो मैंने चूज किया था लोशन ये वाला। इसमें बस वही डिफरेंस है कि जो क्रीम होती है ना वो ज्यादा मतलब उसमें जो उसका टेक्सचर होता है ज्यादा थिक होता है, मतलब जैसे ज्यादा ड्राई स्किन के लिए। पर अभी थोड़ी गर्मी थी तो मैंने सोचा चलो इस बार मैं लोशन ट्राई करती हूँ कितना ही चलेगा, 100 ml का तो है ये, सो ये ट्राई करूंगी। आपने देखा होगा सेटाफिल का बहुत लोग यूज करते, तो मैंने सोचा चलो यूज करके देखती हूँ, मेरा वैसे भी खत्म हो गया था। और इसके अलावा कुछ खास चीजें नहीं मंगवाई हैं, कुछ मंगवाया है। ये मैंने एक टोनर मंगवाया था, राइस वाटर एंड नियासिनामाइड टोनर, ये है प्लम का। और इसके अलावा ये तो नायका का ही है, टी ट्री एंड नीम प्यूरिफाइंग फेस स्क्रब। मेरा स्क्रब खत्म हो गया था, बस तीन ही चीजें हैं और कुछ खास नहीं है, बस दैट्स इट। और इसमें बिल्कुल भी कोई स्मेल वेल कुछ नहीं है, बिल्कुल भी इसमें फ्रेग्रेंस है ही नहीं, ये फ्रेग्रेंस फ्री है। Hey guys! तो कल मैंने व्लॉग किया था, पहले तो वो बता दूं। सो मैंने ऐसे सोचा था कि मैं शुरू कर लेती हूँ, जैसे मैं एक दो दिन के बाद व्लॉग डालती हूँ, पता ही है आपको कौन कौन से दिन पे डालती हूँ। तो मैंने सोचा चलो कल भी थोड़ा सा व्लॉग कर लेती हूँ, अगर कल हो पाया कल कर लूंगी, और नहीं तो आज कंटिन्यू कर लूंगी। तो मैं आज नेक्स्ट डे कंटिन्यू कर रही हूँ। मैं जा रही हूँ थोड़ा सा वर्कआउट करने के लिए, और मैं काफी ऐसे स्लिम ट्रिम लग रही हूँ, तो ये कपड़े पहन के तो ऐसे लग जाता है कि यार वर्कआउट की जरूरत नहीं है, बट है ऑब्वियसली मूवमेंट चाहिए, वो हमें अच्छे से समझ आ गया है अभी। मैंने और जितेंद्र ने शुरू किया है, दो तीन ही दिन हुए, वैसे बताना तो नहीं चाहिए क्योंकि जैसे ही बताते हैं ना ऐसी चीजें, वैसे ही ये चीजें हम डिसकंटिन्यू कर देते हैं। पहले भी बहुत बार करी थी,
पर ठीक है, करेंगे इस बार। और हमने शुरू किया है सुबह शाम दोनों टाइम करते हैं ताकि थोड़ी बॉडी की मूवमेंट हो जाए। और डॉक्टर ने बोला था इसलिए थोड़ा और सीरियस हो गए हैं, पहले तो जैसे हम बैडमिंटन वगैरह खेलने जाते थे, अभी भी हमने सोचा है कि वो चीज करेंगे, पर अभी थोड़ा ऐसे वार्म अप टाइप कर रहे हैं एक दो दिन से, थोड़ी एक्सरसाइज, थोड़ा योगा, कुछ ऐसी ऐसी चीजें कर रहे हैं। और सिर्फ इतना ही करने से ना इतनी ज्यादा पेन हो गया मेरे को, तो यहाँ यहाँ बाजू में, लेग्स में बहुत ज्यादा पेन हो गया। तो बस हमें ऐसे था कि थोड़ा हैबिचुअल हो जाए इस चीज का, फिर उसके बाद हम थोड़ा बाहर निकलेंगे, बैडमिंटन खेलेंगे या कुछ और चीजें ट्राई करेंगे। सूर्य नमस्कार करती होती थी जिसमें कि आपकी बॉडी की सारी स्ट्रेचिंग हो जाती है। मेरी तो आंखों के सामने अंधेरा हो जा रहा था एक्सरसाइज करते हुए, जब मैं ऐसे नीचे झुक के ऊपर उठती थी तो ठीक हो जाएगा, कोई चक्कर नहीं है। तो आज का दिन तो ना यार पता नहीं कैसे निकला है, बहुत ज़्यादा ऐसे हैक्टिक सा हो गया मेरे लिए। और हुआ यूँ कि यार पहले तो ना जो दो तीन दिन से वर्कआउट कर रहे हैं ना, तो बॉडी में भी काफ़ी पेन हो गई थी और थोड़ा वीक सा, पता ही आप लोगों को इतने दिन से कह रही थी, मतलब ऐसे ना मेरे को नींद आ रही थी बहुत ज़्यादा। फिर मैंने सोचा चलो मैं सो जाती हूँ थोड़ी देर के लिए, थोड़ी देर के लिए सोई आधा के घंटा, मज़ा तो बहुत आया, ऐसे बड़ा रिलैक्स सा फील हुआ सो के, बट जो पेन थी ना वो तो फिर भी नहीं गई। वहाँ बिजी होगी, फिर मैंने कोई व्लॉग नहीं किया। उसके बाद शाम को मेरी एक दो कॉल्स थी, आप समझ लो ऐसे कुछ ऑफिस से रिलेटेड ही कुछ कॉल्स थी, उसमें बिजी होगी, सारा ध्यान इधर उधर, मतलब बहुत ज़्यादा ऐसे होच पोच हो रखा था आज, ऐसे था। और मैंने व्लॉग ही नहीं किया, हो ही नहीं पाया। और अभी बहुत ज़्यादा मैं और जितेंद्र ना कन्फ्यूज थे किसी चीज़ के लिए। वो पहले तो मैं सोच रही थी कि मैं बाद में बताऊंगी, जब हम चले गए तो तब बता दूंगी कि हाँ नेक्स्ट व्लॉग में जब भी आएगा तो आप लोगों को पता चल जाएगा। बट यार मेरे से ना बहुत ऐसे नहीं होता कि बाद में रिवील करो या सरप्राइज करो या कुछ ऐसे ऐसे करो, तो मैं बता ही देती हूँ कि क्या ये जितेंद्र मेरे को मेरे आमने सामने घूम रहे हैं ऐसे, कि मैं और जितेंद्र सोच रहे थे कहीं घूम के आते हैं क्योंकि काफ़ी दिन हो गए थे। सो हमने डिसाइड किया है कि कल हम जाएंगे कहीं पे घूमने जाएंगे, पता ही आपको पहाड़ों में ही जाते हैं, वहीं कहीं जाना है। और एग्जैक्ट कौन सी जगह है ना वो तो आप व्लॉग में ही देखना, क्योंकि कुछ एक चीज़ें ऐसी हैं जो हमें स्टिल डिसाइड करनी है, तो नेक्स्ट व्लॉग में ही बताऊं तो वो ज़्यादा बेटर रहेगा आई थिंक। पता ही आपको हर बारी क्या होता है, जब भी हमने जाना होता है हमें सामान लेना होता है बाहर से, उसके बाद पैकिंग करनी होती है सबसे बड़ा टास्क, और फिर सुबह उठने के लिए रात को टाइम से सोना पड़ेगा जो हम हमेशा लेट हो जाते हैं, फिर सुबह उठने में लेट होता है, फिर जाने में लेट होता है। सो कल ऐसे है कि बहुत हमने अर्ली तो नहीं रखा हुआ, बट एक टाइम पे तो हम चले जाएंगे। सो अभी ये प्लान है कि फिलहाल के लिए बाहर जाते हैं, थोड़ा माइंड भी रिफ्रेश हो जाए। और आज मेरे को भी ऐसा फील हो रहा था, जितेंद्र को भी काफ़ी हेडेक फील हो रही थी, दोनों का हाल ऐसा हो रखा था, तो सोच रहे हैं कि थोड़ा बाहर निकलते, थोड़ा ऐसे रिफ्रेशिंग सा फील करें और जो कुछ एक चीज़ें हमें लेनी है वो भी ले लेते हैं साथ में। तो चलो चलते हैं अभी तो फिलहाल कुछ थोड़ी बहुत छोटी मोटी शॉपिंग के लिए। ये तो दूध के साथ ही खाने के लिए है, फिर खा सकते हैं वैसे, है ना। ये देखो ये रहे, ये ले लिए ओट्स, एक दो पैकेट ले लो उसके, लेने हैं तो कॉर्नफ्लेक्स जो थे लेना है, टमाटर भी नहीं कोई दो, बस ये मसाला वाले काफी हैं। हाँ ले लो, एक ही लेन सीड्स वाले हैं ये, अच्छे नहीं होंगे टेस्टी, ये ठीक है, ये भी है पोटैटो, एक ले लो। उपमा नहीं है? नहीं उपमा रहन दो, आपसे नहीं खाया जाएगा ये, पोहा इज स्टिल बेटर। दो ले लेते हैं डन।
सो हमने फाइनली अब अपनी पैकिंग करी है और ये दो जैकेट्स हमने रख लिए हैं क्योंकि जहाँ हम जाने वाले हैं वहाँ पे हमें इतना पता है कि वहाँ पे ठंड होने वाली, तो ये मेरी जैकेट है, ये जितेंद्र की जैकेट है। और ये बेल्ट क्यों पड़ी है जितेंद्र आपकी बाहर? सुबह पहननी है। अच्छा, मेरे को लगा बैग में डाली। और बैग में हमने ऑलमोस्ट सारा सामान पैक कर लिया और जितेंद्र ने चप्पलें जूते भी ना बेल्ट के ऊपर रखे हुए हैं। और मैं ये कहने वाली थी बाहर हमने जो खाने पीने का सामान रखा है ना उसको ले आओ। क्यों? वो अंदर रख देते, बाहर बहुत ज्यादा गर्मी है, उसमें कुछ ऐसा सामान है जो खराब हो सकता है। ठीक है। और मैंने ना आज ये सोचा है कि ये जितेंद्र की जैकेट का एक बैग है, तो मतलब ये जैकेट होके ना इतनी सी रह जाती है और सेम ये मेरी जैकेट का बैग है, मेरी भी इतनी सी हो जाती है, तो मैं सोच रही हूँ कि वाई नॉट टू ट्राई दिस, है ना? एंड ये जैकेट हम इसमें फिट कर दें। Yes, कर पाओगे आप? हाँ हाँ, कोशिश कर दो। आज तक जितेंद्र ने ये जैकेट इसमें डालने की कोशिश नहीं करी है, इवन मैंने डाली है ये जैकेट लास्ट टाइम, क्योंकि हमारे पास बैग पड़ा बस उसी में डाल देते हैं, बट इसको कर दो ताकि ये कम जगह लेगा। मतलब इसको ऐसे जितना मर्जी दबा दो ये इसमें आ जाता है। आपकी आपकी तो फिर भी बड़ी है, मेरी तो बहुत ज्यादा छोटी है। क्या लगता है? खुल गई। आएगी आएगी, खोलो मत ना ऊपर से, ऐसे तू मतलब तूसने तो ऐसे डाल दो इसमें, आ जाएगी, ये खराब नहीं होती है। ऐसे डफल बैग जैसी बन गई है ये। तो चलो जब तक जितेंद्र ये करते हैं ना, मैं आपको अपना बताऊं ना, तो टाइम अभी हो रहा है 11 बजने वाले हैं रात के और मैं अभी तक अपने हेड वॉश नहीं कर पाई हूँ अपना। पहले मैं सोच रही थी कि यार बाहर से करवा लेती हूँ, बहुत ज़्यादा मुश्किल है कि खुद से बाल धोना, क्योंकि मेरे पास बिल्कुल टाइम नहीं था, बट मैंने सोचा कि यार क्यों ही ये करना, थोड़ा पैसे बचाए जाए और खुद से बाल धो लूँगी। और अब मैं इस सिचुएशन में पहुँच गई हूँ कि अब मेरे पास कोई और ऑप्शन है ही नहीं है। सो अभी मैं नहाने जा रही हूँ, बाल धोऊंगी ताकि सुबह मेरे को ये सारे झंझट ना करने पड़े और हम अर्ली मॉर्निंग निकल पाएं। सो ये जितेंद्र जब तक करते हैं, वैसे जितेंद्र का तो सारा हो गया है और जितेंद्र भी ना अभी नीचे जाने वाले हैं अपनी गाड़ी साफ करने के लिए, क्योंकि जितेंद्र ने गाड़ी अपनी धुलवानी थी बट वो कर नहीं पाए क्योंकि बिजी थे, वही सेम चीजें हैं, तो रात के 7-8 बज गए थे, उसके बाद तो कोई नहीं गाड़ी धो के देता। तो जितेंद्र जाएंगे गाड़ी धोने, मैं जाऊंगी अपने बाल धोने और नहाने के लिए ताकि सुबह हम आराम से निकल सके। और एक जैकेट तो जितेंद्र ने पैक कर दिया, अब सिर्फ मेरी रहती है, ये भी पैक करते हैं और कल निकलेंगे। कहाँ जा रहे हैं वो नेक्स्ट ब्लॉग में आपको ऑब्वियसली पता चल जाएगा। तो चलो इस ब्लॉग को करते हैं यहीं पे एंड। आई होप आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी हो, वीडियो अच्छी लगी तो कमेंट्स में जरूर बताना, चैनल पर नए हो तो डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब, एंड मिलते हैं माय नेक्स्ट ब्लॉग। टिल देन बाय बाय, टेक केयर।